इधर आओ, वो देखो रमजान का चांद नजर आ गया। रमजान का रोजे आए, चांद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं आई हूँ मामा के घर, मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं थी और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम जो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊँगी, एक सरप्राइज कमिंग सून। सो मतलब ऐसा ही कुछ समझ लो मजबूरी बनी कि आना पड़ा। एंड हमारा जो आज चांद रात है वो यहीं पर होगा, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि फर्स्ट चांद रात मेरी मम्मी की घर से। हेलो हेलो, मैं फ्लैश शुभ हूँ और अभी हम जा रहे हैं हमारे घर। मेरी मम्मा लगा रही है मेरे डैडी को ऑरेंज। ये हमारे जवाई साहब बैठे कर रहे लंच है ना नदा, बहुत सारा। अब बताओ आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है? एक दो तीन चार पाँच छः आइटम। ये सेवन लस्सी और अभी मीठा बाकी है, वो तुमने कहा मैं बाद में खाऊंगा। तो यहाँ पे है माहा की दाल, मिक्स वेज गोभी आलू की सब्जी, एग भुर्जी, दही रायता, चौलाई की सब्जी, कड़ी, फुलका और साथ में है छाछ। और ये पूरी थाली रेडी करने वाली है हरप्रीत, बहुत टेस्टी। और ये फुलका, हाँ ये है गर्मा गर्म फुलके। बढ़िया, हाँ अभी राइस आ रहा है। ये जो चौलाई की सब्जी है ये हमारी नेबर आंटी है, उन्होंने भेजी लकी के लिए। और कड़ी वो दौड़ दौड़ के आई, पता है इसको बोलते हैं तुम ना खट्टी भी नहीं बनाती हो? नहीं अपने वहाँ दही खट्टा नहीं है। अरे बनाना पड़ता है खट्टा? नहीं यहाँ पे महाराष्ट्र का दही खट्टा है। गाइस हम निकल रहे सब्जी लेने और ये कहते हैं मैं साथ में चलूंगा। इतना तैयार होकर सब्जी लेने जाते हैं क्या, एक कोई बात है? इतना तैयार होके मटर जो ढूंढ रही थी मिल गया, देखो अगेन हम निकल गए मम्मा के घर आके स्कूटी पे और अभी हम जा रहे हैं सब्जियां लेने क्योंकि आज सैटरडे। ये हरप्रीत ले रही है सब्जियां। की लिया टिंडो लाला, गाइस हमने लिया रूअफ़ज़ा सेवियां, कुबी हुई पई है मेरी कमर की नस लग गई है। ये हमारी बुआ जिनकी और ये हमारी हरप्रीत जिसका कभी कुछ नहीं दुखता। हाँ ये आज हमको ताड़ासन योगासन करके दिखा रही है, इतना खतरनाक वाला। ऐसे हाथ पीछे ऐसे कैसे कैसे पूरे नमस्ते पूरे जम गए। किसने रखा ऊपर? क्या पता कौन डाल रहा था? हाय हाय बात बनाते सारे, इसको तो सर पे मारोगे तो हम सब जा रहे हैं अभी टेरिस पे चांद देखने। चांद हाँ, ये हमारे पारे पारे बच्चे सब वेट कर रहे हैं ऊपर जाने का। हमारी पारी पारी हो रहा है, इनको तो दिखाओ उसका आउटफिट तो दिखाओ यार, पिगी पिगी बन के घूम रही है, ग्रैप्स लग रहे हैं एकदम ग्रैप्स ग्रीन हो। गाइस आज आएगा चांद नजर। घपदा सा सा घपदा पदा ये टेरेस पे ये मुझसे गिर गया। हाँ बेटा डैडी गए। क्या देख रही तू? चांद दिख नहीं रहा, चांद नहीं दिख रहा गाइस, अभी तक चांद नहीं आया है। और एक ये चांद बैठा हुआ है अंधेरे में। चांद स्टार के पास ही आता है। अच्छा क्या, फिर कौन से स्टार के पास आएगा? कौन सा स्टार होगा तो कोई नहीं, वो एक दिख रहा है चांद के पास। थोड़ी देर में तो एटलीस्ट नजर आएगा चांद।
ये बैठे हैं हमारे कैंडिडेट। सबसे पहले यहाँ कौन है? वहाँ अल्तमश, वहाँ नैन्सी, वहाँ सैफजोत। सैफजोत कितने हैं आप? और यहाँ है हमारे प्यारे लक्की जी, हाँ जो पूरे चांद बने हुए आज। और उसके बाद ये हमारा दूसरा चांद हरप्रीत, मेनू भी दिखा दो। हाँ उसके बाद ये नैन्सी। और गाइस एक्चुअल चांद यहाँ बैठा है, एक्चुअल चांद यहाँ है। अच्छा हमारी हुरू बज गई, ये हमारा हुरैन छोटा चांद। अरे बड़ा चांद नहीं, हम चलते हैं। गाइस हम बना रहे हैं मिठा, मीठे में बना रहे हैं सेवियां, और सेवियां बना रहे हैं, और हरप्रीत बना रही है आज टिंडिया दी सब्जी, ये वाले टिंडे। ये प्याज काट रही है, मेरी आंखों में जा रहा है। हुआ कर है कुकिंग शुकिंग कुकिंग। मैं बना रही हूँ सेवियां, भुनी हुई सेवियां। सेवियां क्या होती है? ये हटेगी तो मैं बनाऊंगी, बीच में फंसी रहती बस। आप पहली बार बना रहे हो? फर्स्ट टाइम? नहीं है, मैं तो बहुत बेहतरीन कुक हूँ, बस बोलते ना वो बेहतरीन चीज नजर नहीं आती, मेरे साथ वही हो जाता है। मैं हरप्रीत से पूछो मैं कितनी अच्छी कुकिंग करती हूँ। पता नहीं कैसा मिलेगा आज हमें खाना। मुझे रोटी नहीं बनानी आती, जैसे हमारे घर में खाते हैं वैसी, है ना? हाँ। अदरवाइज मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। क्या चलाया? मैंने घी डाला था कढ़ाई पतली है, धुआं निकलने लगा। तो जल गया ना, हमको जला हुआ खिलाओगे ऐसा? जला नहीं, मैं सबको बताऊंगी। गाइस आज हरप्रीत बना रही है पंजाबी टिंडो, पंजाबी टिंडो बनेंगे इसमें, जिसमें लगेगा अनियन, हरी मिर्ची, टमाटर और टिंडो, जो कि डैडी को टिंडो बहुत ज्यादा पसंद है। डैडी कल से चिल्ला रहे हैं, नहीं 3-4 दिन से चिल्ला रहे हैं, है ना? टिंडो लाओ, टिंडो लाओ। बेगम चांद मुबारक हो। इधर आओ, वो देखो रमजान का चांद नजर आ गया। रमजान के रोजे आए। चांद मुबारक, रमजान का चांद मुबारक, रमजान मुबारक सभी को। और हमारे पहले जो रमजान में फर्स्ट रोजा है, फर्स्ट जो चांद मुबारक है, वो मम्मा के घर से हो रही है, वही मम्मा की तबीयत ठीक हुई है। दुआ कीजिएगा सब, हम भी दुआ कीजिए आपके लिए, रमजान में मजे करेंगे, दुआ इबादत सब कुछ सबके लिए अच्छा जाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पे तड़का लग रहा है टिंडिया नू, और ये दूध बॉईल हो गया है फॉर भुनी हुई सेवियां। दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे भुनी हुई सेवियां। हुरैन रमजान मुबारक बेटा, मेरी बेटी को तो मुबारकबाद। हां मिलती ना मैं गले दोनों बच्चों से। रमजान मुबारक। है रौनक भरी हुई, इसमें हो रहा है दूध गर्म, और इसमें बनी है दाल। इस दाल को लगेगा तड़का। वाओ गाइस ये देखो आज बड़ी टेस्टी दाल बनी है हमारे घर। बाय मेरा वीरा। नानू क्या कर रहे डैडी को? पैसे नहीं दे रहे तो बेटा डैडी क्यों दे? नानू बड़े हैं इसलिए दे रहे हैं ना। क्या लेने जा रहे हैं? साबुदाने के बड़े। साबुदाने के क्यों लाना, मूंग दाल के लाओ। मैं डर गई, मैं इसको फट के उठाया, फिर मेरी गोद से उतर ही नहीं, फिर मैं इसको लेके बैडमिंटन खेली। गोद से लेके? हाँ यू नो आई एम प्रो हुआ। हाँ मैंने पता, तू बाली प्रो हुआ। ये देखो मेरी मम्मी की तबीयत, अब अच्छी लग रही। हाँ
ये हमारा मेरे व्हाट्सएप पे मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, रमजान मुबारक। मैंने अभी देखा, मुझे फील नहीं हुआ, मतलब मेरे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं या जो मुझसे बात करते हैं, जो मेरे पहचान वाले हैं, जो फ्रेंड है, ग्रुप है, सारे मुझे रमजान मुबारक को बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं भी सेंड करती हूँ व्हाट्सएप पर। नैन्सी कह रही मैं भी सेंड करती हूँ। बेगम रमजान मुबारक आपको भी। मम्मी बाहर वाला को चुप चुप के देखती है। ये देखो, ये क्या मंगवाया नानू ने, मूंग पकौड़े, नानू के फेवरेट है। और ये बच्चों को साबूदाने के पकौड़े खाने थे तो वो स्टॉक बंद थी। वेरी गुड, यस, अपना मूंग पकौड़ा मिल गया नैन्सी। अरे हुरैन को मूंग पकौड़ा दो, हुरैन को जल्दी अंदर जाओ, जल्दी डालो। यू वांट टू हैव दिस वाला कड़ा, चटना, और दिस वाला चटना, और बस I want this वाला चटना। अच्छा, this वाला चटना तो कुछ डाल के खा लीजिए। Yes, कल्ले दा, कल्ले जवाई साहब। फाइनली हमारा जो डिनर है वो डन हो गया, किचन पूरा क्लीन हो गया है, और अभी हरप्रीत मार रही है वाइफ पर। आ जाओ इधर गाइस, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है, सो आ जाओ इधर बैठ जाओ। हम सब ने डिनर कर लिया, अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। मम्मी को कितना भी मना करो, कुछ मत करो, मम्मी सुनती नहीं है। डेथ फायर रेडी बोलते हैं इसको ना, लेके अलग से बैठे रहो, तो हम मम्मी को लेके अलग से बैठे हैं। कल मेरी मम्मा ने पूरी रात वोमिटिंग की है, पूरी रात। और ये हरप्रीत का चल रहा है नाइट रूटीन, क्लीनिंग हो रही है, और सारे बच्चे लकी बच्चे सारे सारे गए बाहर नाइट वॉक के लिए। हम लोग कर रहे हैं क्लीनिंग। ये मेरी मम्मी पीछे पीछे चेक कर रही है साफ सुथरा है कि नहीं। ये बीमार है पर इसका ध्यान ना एकदम घर पे रहता है। अच्छे से किया कि नहीं, नहीं तो खुद स्टार्ट हो जाएगी मम्मी झाड़ू लेके। अब मुझे बता हरप्रीत, इसे एकदम नजर रखने वाली सास बोलेंगे या क्या बोलेंगे? नजर रखने वाली सास। अच्छा, होया होया, हाँ जीने नहीं दूंगी मैं। और डैडी, डैडी भी यहाँ क्या क्या, और डैडी वहां से बेचारे क्या 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 मम्मी को। अच्छा है ना, साफ है, झाड़ू मारे ना सही। हाँ मैं क्या थोड़ा ओ भाई पोछ दिया मन्नू भी, तू झाड़ू बढ़िया मारा। तो ये देखो मम्मी खुद झाड़ू मारने लगी थी, फिर रोका हमने, हरप्रीत खुद मारने लगी। ए बच्चा ने, ए डैडी सवेर दा गांदा है ना दा। ये अपने घर की बरकत, ये अपने घर की बरकत, बच्चों से जो थी उसे साफ कर रहे हैं। बच्चे हैं तो रौनक है। अरे डैडी मम्मी तो मम्मी, डैडी भी नहीं काट। मम्मी कहती थी सो जा तू, सो जा। मम्मी बोलती मैं काफी हूँ नजर रखने के लिए। तो हम लारी चल रही है मस्ती मजाक, मम्मी की डैडी को लेके आए हम। पितुआ को लेके, वो फुफू ने बोला मैं तुम्हारे से नाराज हूँ, मैं नहीं आता तुम्हारे घर, उनको लेकर चलो तू। फुफू आ गए, पितुआ पीछे आ गए। बताओ लकी प्रीति को धमकी दे दिया तो लकी बेचारी प्रीति पीछे पीछे आ गई। ये देखो ब्लैकमेल, ब्लैकमेल करके लाए हैं। प्रताल विदा, ये आज सवेरे ही आए। तेरा बैडमिंटन अभी क्या बोल रही थी तू? 21 था, सॉरी 100 था। नहीं तेरा ही नहीं होया। अभी फिर लेके आ गई है।
इसको काम ही नहीं है गाइस कोई। यहाँ पे दाग पड़ा है, वो साफ कर रही है, वो देख इसको करो। ये देख लो हमारी हुरैन, हुरु 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 हुरैन। ये है रात और सरजोत हमारे साथ है ना, क्योंकि सरजोत आज ही क्योंकि ये आज ही आया है तो ये अब हमारे साथ ही है। हमने बहुत सारी मस्ती की, अब हम कंफ्यूज हैं सोए की जगह, क्योंकि आज होगी पहली सहरी और सहरी रोज़ा इबादत। हाँ सो एक्साइटेड, और उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ से जाने के बाद जब घर पर मेरा रूटीन होगा तो मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और सारा ही रूटीन जो है शेयर करूँगी। आज का खूबसूरत चांद रात आप सभी को मुबारक, क्योंकि रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, हर घर में बरकतें रौनकें सब आ गया है, सारे शैतान कैद हो चुके हैं, बहुत मज़ा आएगा। कंटिन्यू बने रहें अपनी दुआओं में, याद रखें। सो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट फर्स्ट रोज़े सहरी इफ्तारी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।